हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी टू ए कॉम्पिटिशन टू एजुकेशन। आज का कॉन्टेस्ट अलर्ट है, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन नेशनल रोड सेफ्टी 2021। फ्रेंड्स, यहां पर आप पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल रोड सेफ्टी कॉन्टेस्ट 2021 में। दोनों कॉन्टेस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थीम देखेंगे, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के बारे में देखते हैं। इसका जो थीम है फ्रेंड्स, वो है गुड सैमरिटन लॉ। गुड सैमरिटन लॉ बात करती है एक गुड सिटीजन की, जो कि हेल्प करते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम पे सिर्फ वहाँ पर एज एन ऑडियंस नहीं खड़े रहते, बल्कि जा करके जो भी विक्टिम है उसको रेस्क्यू करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसका वीडियो बनाते रहते हैं बल्कि हेल्प ही नहीं करते। पर एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड ह्यूमन बींग, आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको जा करके सामने वाले को रेस्क्यू करना चाहिए, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए और इस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, ये लॉ भी है फ्रेंड्स कि पुलिस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। साथ में जो भी हॉस्पिटल से सभी को रिक्वायर्ड है कि वो फर्स्ट एड जो है वो फ्री में दे, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की चीज़ों में एक्ट कर सके, सही तरीके से एक्ट कर सके। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है ₹5,000 का रिवॉर्ड सभी सैमरिटन्स के लिए जो कि सेव करते हैं किसी की लाइफ, रेस्क्यू करते हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में। तो आप भी फ्रेंड्स, बिल्कुल भी अगर आपके साथ इस तरीके की कोई इंसिडेंट होती है तो आप ज़रूर जाकर के आगे बढ़ के हेल्प करें फ्रेंड्स। तो ये पूरी थीम है इस पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन की। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप पोस्टर बना सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, हैंड ड्रॉन बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, किसी भी मीडियम और इलस्ट्रेशन में। बेस्ट जो 5 पोस्टर्स होंगी उन्हें ₹5,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस और इसमें अपनी एंट्री सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर 2021 है। तो पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में फ्रेंड्स कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री है, सभी के लिए ओपन है। आपको जो अपनी पोस्टर है वो PDF फॉर्मेट में यहाँ सबमिट करनी है, कोई भी इसमें एंट्री चार्जेस नहीं है फ्रेंड्स, और इसमें एक पार्टिसिपेंट एक एंट्री दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में और उसके बाद मैं आपको सबमिशन प्रोसेस बताऊँगी। तो स्लोगन कॉम्पिटिशन थीम सेम है फ्रेंड्स, गुड सैमरिटन लॉ। तो इसमें भी आप अपनी एंट्री जो है वो 15 नवंबर 2021 तक सबमिट कर सकते हैं। इसमें अवार्ड्स की बात करें तो 5 विनर्स को यहाँ पे भी कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। स्लोगन जो है फ्रेंड्स, वो आपको 8 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना है, और स्लोगन्स आप इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, इनमें से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इसमें भी एक पार्टिसिपेंट एक एंट्री दे सकते हैं, सभी के लिए ओपन है, कोई भी इसमें एंट्री चार्ज नहीं है फ्रेंड्स। 15 नवंबर 2021 तक आप इसमें अपनी जो स्लोगन है वो सबमिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्टेस्ट है फ्रेंड्स, वो MyGov की वेबसाइट पे कंडक्ट की जा रही है। तो सबसे पहले आपको इसके कॉन्टेस्ट पेज पे आना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स, आप पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उस पर आप जाएँ, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर अपनी जो PDF है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के बाद उसको सबमिट कर सकते हैं। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन की बात करें तो इसमें भी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स ओपन करना है। कमेंट बॉक्स ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में ही अपने स्लोगन को टाइप कर देना है। इसके लिए अलग से कोई PDF वगैरह आपको सबमिट नहीं करना, बस आपको वहाँ पर टाइप कर देना है अपना स्लोगन और उसके बाद उसको सेव कर देना है। आप भी एक गुड सैमरिटन बने फ्रेंड्स, आप भी लोगों की हेल्प करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे आप हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook, Instagram पर और Telegram पर भी। तो थैंक यू सो मच।